फर्स्ट इंटरेक्शन इट वॉज वेरी गुड बिकॉज हम लोग जब मिले थे तो हम लोग स्टोरी पे काफी फोकस कर रहे थे कि हम लोग को कैसे कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं थी और स्क्रिप्ट ही थी हमारे हाथ में, और हम डिस्कस ये कर रहे थे कि हम लोग कैसे इसको, याद है फर्स्ट डे हम लोग वहाँ जो हम ऑफिशियली मिले थे, अनऑफिशियली तो हम ऑफिस में मिले थे, हाँ वो तो एक छोटी सी मीटिंग थी कि एग्जैक्टली ये निकल रही थी अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करके और मैं आ रहा था अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, तो वो ऑफिशियल मीटिंग थी बट उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं था हम लोग, हम लोग का इंटरेक्शन हुआ है डायरेक्टली सेट पे जब हम लोग गुजरात शूट करने गए और वहीं पे हम लोगों ने स्क्रिप्ट और अपने कैरेक्टर को लेके बात करनी शुरू कर दी थी कि किस तरह से इसको डेवलप किया जाए और क्या केमिस्ट्री होनी चाहिए हम लोग के बीच की, जो कि आई गेस हम लोग कुछ हद तक सक्सेसफुल हुए उसको अचीव करने में। फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट हिम, बहुत ही सिंसियर एक्टर है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा कि मैं ऐसे देखती हूँ, इतना सिंसियर भी होता है क्योंकि मैं नहीं हूँ ना इतनी सिंसियर, एक्टर अच्छी हूँ खुद ही तारीफ कर रही हूँ पर ये लिख लिख के अपने डायलॉग्स याद करते हैं और उसमें अंडरलाइन भी कुछ कुछ चीज़ें करते हैं कि इस पर फोकस करेंगे, इस पर करेंगे, सो वेरी सिंसियर एक्टर। हाँ मैं तो ये था कि भाई तो बहुत ही जल्दी सी लड़की है, कौन है पता नहीं, बट नहीं ऑफ कोर्स ही शी इज आल्सो वेरी सिंसियर अबाउट हर वर्क, क्योंकि हम लोग के काफ़ी डिस्कशंस होते थे सीन को लेके और उसके बीच में जो छोटे छोटे नुआंसेस हैं उसको कैसे कैरेक्टर को यू नो डेवलप किया जाए या कहाँ पे चीज़ें इन्हेंस की जाए, ये इतनी सिंसियर है कि ये बहुत ध्यान लगा के बहुत अच्छे से सुनती थी और उनको इम्प्लीमेंट करके उसको अचीव भी करती थी टेक में, तो या पहली बार 3 महीनों में पहली बार मेरी तारीफ की है इन इंसान मोहतरमा बोल रही थी मैं, हिंदी तो बोलूंगी नहीं इस मोहतरमा ने पहली बार, मोहतरमा नहीं हूँ मैं, मोहतरम हूँ मैं, मोहतरम इस मोहतरम ने पहली बार इन मोहतरम ने ये इंग्लिश में ही बात कर लूंगी मैं, दिस जेंटलमैन हैज प्रेज मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन दीज 3 मंथ्स। मैंने तो कर दिए ये नहीं आई थिंक, हाँ मतलब वी डू बट जितना कर सकते हैं उतना ही। ओके, टू क्वालिटीज यू लाइक इन हर, यू लाइक बताओ बताओ इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज में से 2 क्वालिटीज कैसे चूज करोगे? मैं बताता हूँ, ये ग्रीड बहुत अच्छे से करती है लोगों को मतलब ऐसा मैंने कहीं दिखाई नहीं है जिस तरह से ये ग्रीट करती है, तो इसका ग्रीट करने का तरीका लोगों को बहुत अच्छा है, प्लस इसकी एनर्जी माइंड ब्लोइंग है, जब भी ये सेट पे आती थी ऐसा लगता था कि ओहो कोई आ गया सेट पे, तो अलग ही माहौल हो जाता है मनीषा के आते हुए, तो वेरी एनर्जेटिक वेरी लाइवली, दैट इज ट्रू। गोएब के बारे में मुझे बोलना है, और किसको बोलना है यार मनीषा मुझे लगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ज़ोएब का भी कुछ ऐसा ही एक ऑरा है दैट ही कैरीज, एंड जब वो आते हैं सेट पे तब समझ में आता, एक तो फुल ऑफ पॉजिटिविटी है, ये तो आप किसी भी इंसान से बात करेंगे, अभी भी आप खुद बात कर रहे हो तो आपको समझ में आता है, लव, एब्सोल्युटली लव टॉकिंग टू हिम अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ही इज दैट पॉजिटिव, एंड बोलते ना एक चीज को देखने के 2 नजरिए होते हैं, तो वो हमेशा नेगेटिव में भी वो पॉजिटिव दिखा देंगे करके, सो आई लव दैट अबाउट हिम, बस इससे ज्यादा तारीफ नहीं कर सकती मैं आपकी। ओके, कोई 2 चीज जो आप फ्री टाइम में करते हो, आप जो फ्री टाइम में करते हो आपको पता है, ये जो करते हो आपको पता है, फ्री टाइम में ये हां ये गाने सुनती है फ्री टाइम में, और मोंजोले के कितना बैठ के मोबाइल अपने ऐसे सामने रख के कुछ ना कुछ कर रही होती है, फ्री टाइम में यही कर रही होती है, मैंने ये देखा है। मोंजोले करती हूं मैं कितनी भी सुंदर दिखूं, मतलब कितनी एक मतलब पूरे सेट में मेरी तारीफ हो रही होगी, और इनको मेरा और इनका ही रोमांटिक सीन है और उसमें क्या बोल रहे हैं मुझे, हां मोंजोलिका जैसी दिख रही है, नहीं मतलब वो कैरी करती है मोंजोलिका को अपने साथ यार, देखा ऐसी थोड़ी ना बोलता मैं मोंजोलिका, अभी मैं वो बता नहीं सकता कैसे कर रही होती, बट मैं मोंजोलिका जैसी दिखती हूँ, दिखती नहीं वो, तू ऐसी हरकतें कर रही होती है वो मोंजोलिका।
अब मेरे बारे में बोलूंगी, फ्री टाइम में ये क्या करते हैं? फ्री टाइम में एक तो गाने सुनते हैं, ये तो दैट इज कॉमन, और दूसरा बेबी बेबी हाँ बेबी रूप को कॉल करते हैं। जब ये फ्री होते हैं ये मोस्टली फोन पे नहीं, वैसे इतना फोन पे नहीं होते, मैं ज्यादा फोन पे रह सकती हूँ, मतलब मैं बहुत इंस्टा 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 इंस्टा, एंड ही इज नॉट दैट ऑलवेज ऑन फोन पर्सन। नो ओके, गुस्सा कौन ज्यादा करता है हम दोनों में से? मैं हूँ वैसे बहुत गुस्सैल आदमी, बट मैंने नहीं देखा सर, एक ट्रेट है मेरा ही, मैं उसको बहुत काबू में रखने की कोशिश करता हूँ, तो वो मैं दबा के रखता हूँ अपने पास, है ना? मैं लगती हूँ? हाँ, नहीं जरूरी नहीं है हर किसी को गुस्सा थोड़ी ना दिखाना होता, मैं भी नहीं लगती ना, नहीं गुस्सा आता ही नहीं, मेरे आपको आता है गुस्सा, लेकिन ये भी पी जाती है गुस्सा। ऑडियंस थैंक यू ऑडियंस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, you've been very kind, very generous, and itna pyar diya aapne hamare show ko, Shruti ko, Rajveer ko, Diksha hamare saath hai nahi abhi yahan pe, usko dete rahiye, wo abhi bhi continue kar rahi hai, to main yehi kehna chahunga ki ye pyar barkarar rakhein aur apna support bilkul na chhodein, hum puri koshish karenge ki aapke saath aapko aapke saath fir se mukhatib hoye aur ek आपको एंटरटेन करें। मुखातिब, मैं भी आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।